सकता। शब्द है सफलता। ठीक, कोई भी कार्य, कोई भी कार्य हम प्रारंभ करते हैं, कोई भी कार्य हम प्रारंभ करते हैं तो उस कार्य का एक लक्ष्य होता है। निरुद्देश्य से हम कोई कार्य नहीं करते हैं। कोई भी कार्य जब हम प्रारंभ करते हैं तो उसका एक लक्ष्य होता है। बिना लक्ष्य के अगर हम कोई कार्य करें तो उस कार्य का कोई मतलब नहीं होता। ठीक, बिना लक्ष्य का अगर हम कोई कार्य करें तो उस कार्य का कोई मतलब नहीं होता। यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने का एक मकसद है कि हमको परीक्षा देना है, परीक्षा में पास होना है। यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं परीक्षा में पास न हो या मन चाहा परिणाम न पाए तो हमारे पढ़ाई करने का कोई लाभ नहीं। तो कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसका एक लक्ष्य होता है। बिना लक्ष्य के अगर कोई कार्य किया जाए तो वो कार्य का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, जीवन में हमको कुछ करना है ये बात मन में होती है, लगभग सभी के मन में होती है कि हमें जीवन में कुछ करना है, लेकिन कैसे करना है, कैसे करेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे, कुछ बन पाएंगे, ये चीज़ क्लियर नहीं होती है सबके लिए। तो हम यदि कुछ करना चाहते हैं जीवन में तो हमें किस प्रकार करना चाहिए, हमारे अंदर क्या होना चाहिए, इसके लिए कुछ तथ्य हम निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कि एक लिख सकते हैं हम सही गलत की पहचान, सही गलत की पहचान। दूसरा लिख सकते हैं स्पष्ट लक्ष्य, तीसरा लिख सकते हैं हम उपयुक्त रणनीति, चौथा लिख सकते हैं सुनियोजित कार्यशैली, सुनियोजित कार्यशैली। पांचवा कह सकते हैं हम दृढ़ इच्छा शक्ति, इस प्रकार यदि हम क्रमबद्ध तरीके से लिखें तो कोई अंत नहीं है कि हम कैसे सफल हो सकते हैं, कैसे अपने कर्मों का मनचाहा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। लिखने को एक बहुत लंबी जो है सूची बन जाएगी, लेकिन मुख्य मुख्य बातों पर हम ध्यान देते हैं। कहा जाए कि सही गलत की पहचान, सही गलत की पहचान करना जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि हम सही और गलत की पहचान नहीं कर पाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है ये जानना सबसे ज़रूरी है। देखने में कभी कभी गलत मार्ग भी सही प्रतीत होता है और कभी कभी सही मार्ग भी गलत प्रतीत होता है। समझ में आ रहा है? तो सबसे जरूरी होता है कि हम सही गलत की पहचान करें। उदाहरण के लिए यदि हम कहें कि अधिकांशतः ऐसा होता है
बच्चों की पढ़ाई में मन या रुचि जो है कम होती है, बच्चों की पढ़ाई में रुचि कम होती है। ऐसा इसलिए होता है कि बचपन में किसी को इतना सही गलत की पहचान या सही गलत जानने का न कोई दबाव होता है, न कोई आवश्यकता होती है। बचपन होता है तो बचपन में आदमी होता है तो क्या होता है, बचपन में आदमी माँ बाप के साए में रहता है, वो माँ बाप के छत्र छाया में रहता है, उसको स्वयं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए उसे सही गलत इस प्रकार के निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब वो थोड़ा सा ग्रो करता है, बढ़ता है, उसको लगता है कि अब उसको कर्म क्षेत्र में अपना पदार्पण करना है, तो वहाँ पे उसको आवश्यकता महसूस होती है, या फिर आवश्यकता होती ही है सही गलत की पहचान की। सही मार्ग क्या है? यदि हम स्टूडेंट लाइफ में हैं तो सही मार्ग यही है कि हम पढ़ाई करें, लेकिन ऐसा सभी के साथ नहीं होता है। सभी स्टूडेंट लाइफ में होकर के भी पढ़ाई नहीं करते हैं, और कुछ लोग या फिर कुछ बच्चे तो अपने बाल्यावस्था में पढ़ाई करना ही नहीं चाहते हैं, वो रास्ते से भटक जाते हैं। तो इस तरह से सही गलत को पहचानने की जो है आवश्यकता सबसे अधिक होती है। अगर यदि एक लड़का पढ़ाई के महत्व को नहीं समझ पाता है तो अपना जीवन वो वैसे ही गंवा देता है। वो पढ़ाई नहीं करेगा, एजुकेशन नहीं हासिल करेगा तो वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। बहुत ऐसा कम उदाहरण मिलता है कि कम पढ़े लिखे व्यक्ति या अनपढ़ व्यक्ति किसी अच्छे मुकाम पे गए हों, बहुत ही कम ऐसा उदाहरण मिलेगा। जैसे कि कबीरदास का एक उदाहरण ले लिया जाए, कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे फिर भी उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। तो इस तरह के उदाहरण बिल्कुल गिने चुने मिलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। अधिकांशतः तो ऐसा ही होता है कि जो व्यक्ति सही मार्ग का चुनाव करता है, अगर शिक्षा के क्षेत्र में ले लिया जाए, तो जो लड़का बचपन में ये समझता है कि हाँ पढ़ने की आवश्यकता हमें है, या फिर ये हमारी पढ़ने की उम्र है, तो वो पढ़ाई करता है, मन लगा के पढ़ता है, तो वही जो है आगे चल करके अच्छा मुकाम हासिल करता है। जो नहीं पढ़ेगा वो रास्ते से भटक जाएगा, वो बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा जीवन में। तो इस तरह से सिर्फ शिक्षा की ही बात नहीं है, किसी भी क्षेत्र में सही और गलत की पहचान बहुत ज़रूरी होता है। सही क्या है, गलत क्या है, सोच समझ कर इसका निर्णय लेना चाहिए। और जो हमारे लिए सही है, जो सही है हमारे लिए, उसके अनुरूप, जो सही है हमारे लिए उसके अनुरूप एक हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मन में कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिए जो हमारे लिए उपयुक्त ही नहीं है। हम हैं बचपन में, हमारी उम्र है 10 साल, और हम निर्धारित कर लिए कि हम जाएंगे माउंट एवरेस्ट पर। तो ये एक सामान्य से हटकर बात हो गई, एक अनुपयुक्त बात हो गई कि हम हैं 10 साल के, जाएंगे माउंट एवरेस्ट पे, जो कि लगभग असंभव है। तो इस एक उपयुक्त स्पष्ट लक्ष्य जो है निर्धारित करना आवश्यक होता है। हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, जो हम करने लायक हैं, उस हिसाब से एक लक्ष्य, एक बड़ा सा लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए, वही सबसे अच्छा होता है। और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद से क्या करना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित करने के बाद से जो अगला कदम होता है वो होता है एक सुनियोजित या उपयुक्त रणनीति की। रणनीति मतलब हमें कुछ करना है तो उसके लिए एक रणनीति निर्धारित करनी पड़ेगी। रणनीति का मतलब क्या हुआ, हमें क्या कैसे करना है। अब हमें पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई ऐसे थोड़े ही हो जाएगी कि सुबह उठे शाम को पूरे दिन किताब लेके बैठे हुए हैं, पढ़ाई हो गई हमारी।
ऐसे तो पढ़ाई होती नहीं है। रामानुजन की तरह से पूरे दिन गणित पढ़ते रहे तो भी काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि धरती पर सभी लोग रामानुजन नहीं हो सकते हैं। तो पढ़ाई या फिर कोई किसी भी काम की एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, रणनीति होनी चाहिए कि हमें क्या कैसे करना है। हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं, 12 सब्जेक्ट्स हैं, 20 सब्जेक्ट्स हैं, 25 सब्जेक्ट्स हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके लिए एक रणनीति होनी चाहिए कि हमें कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो सिर्फ पढ़ाई की ही बात नहीं है, कोई भी कार्य हमें करना है तो उसके लिए हमारे पास एक रणनीति होनी चाहिए, सुनियोजित रणनीति होनी चाहिए, जिससे कि हम उस कार्य को सुचारू रूप से कर सकें। और रणनीति बनाने के बाद से कार्यशैली का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है सफलता में। रणनीति हमने बना लिया कि हमें 8 घंटा पढ़ाई करना है, टाइम टेबल बना लिया कि हमें इस घंटे से इस घंटे तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है, पढ़ना है, ठीक है, रणनीति भी बन गई, पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। हमारा घंटा हमने निर्धारित कर लिया कि हमारा गणित का घंटा है, लेके किताब बैठ गए, कॉपी बैठ गए, रणनीति बन गई, यहाँ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई कर रहे हैं गणित की, हम पढ़ाई कर रहे हैं और सवाल एक भी समझ में नहीं आ रहा है, या फिर लिखे जा रहे हैं पूरे नोटबुक की वो भरते जा रहे हैं, नोटबुक की पेजेस को भरते जा रहे हैं और सवाल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उससे भी नहीं होने वाला है। कार्यशैली होनी ये चाहिए कि हम यदि सवाल लगा रहे हैं, गणित हम पढ़ रहे हैं, तो हमें एक एक सवाल समझ में आ जाए, हमें सवाल लिखना है, फिर सवाल को हल करना है, हल करने के बाद उसको रिवाइज करना है, ठीक, हमें फार्मूलाज नहीं आ रहे हैं तो उनको याद करना है। अब याद करना है तो कैसे याद करना है, हम उनको पेज पर लिख लिए, लिख करके फिर उसको याद कर रहे हैं, या फिर बुक से ही लेके याद करें, कैसे हमको याद करना है, ये एक कार्यशैली इसकी निर्धारित होनी चाहिए। अगर सुनियोजित कार्यशैली नहीं होती है हमारे पास तो भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कार्यशैली के बाद एक सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है वो होता है, उसको कह सकते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति का मतलब ये है कि हम कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी ABCD कोई भी कार्य करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कार्य जो है हमारे इच्छा अनुकूल ही परिणाम देगा, हो सकता है परिणाम हमारी इच्छा के प्रतिकूल भी हो। हमने डिसाइड किया है कि हम एक दिन में 100 प्रश्न लगा देंगे, 100 प्रश्न हल कर देंगे, गणित के 100 सवाल लगा लेंगे, हमने ऐसा डिसाइड किया है, मन में सोचा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम 100 सवाल न करके 10 सवाल पे ही अटक जाए, 100 सवाल पूरे ही नहीं कर पाए, तो उस समय क्या होता है, मन में फ्रस्ट्रेशन होता है। फ्रस्ट्रेशन का मतलब निराशा होता है, मन जो है निराशा से भरता है, लगता है कि मैं अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाऊंगा, आदमी जो है क्या हो जाता है, निराशा से भर जाता है। तो इन हालात में उसके अंदर यदि दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी तो वो अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। भटक क्यों जाएगा, क्योंकि जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा तो वो टूट जाएगा अंदर से, उसकी इच्छा ही खत्म हो जाएगी, निराशा से भर जाएगा उसका मन। जब निराशा से उसका मन भर जाएगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए दृढ़ इच्छा शक्ति जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम अगर अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं उस पर अडिग रहें, कि अगर हमारे साथ अगर हम अपने इच्छा के अनुसार परिणाम नहीं भी प्राप्त करते हैं तो भी हम उस पर प्रयत्न करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक बार अगर हमें अपने इच्छा के अनुसार हमको परिणाम नहीं मिला तो हम उसको छोड़ देंगे, उस पर कार्य नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये सब होते हैं जरूरी आवश्यक कदम जो हमें सफल होने के लिए बिल्कुल उठाना ही चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सफलता हमको नहीं मिल सकती है। तो क्या सफलता के लिए सबसे आवश्यक
कदम क्या होने चाहिए, सही गलत की पहचान, स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, उपयुक्त रणनीति होनी चाहिए, सुनियोजित कार्यशैली होनी चाहिए, साथ में दृढ़ इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, तो ही हम सफल हो सकते हैं।